चकला बेलन अगर ऐसा हो तो आती है कंगाली। जी हाँ मित्रों, आपके घर का चकला बेलन कैसा होना चाहिए, आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नतापूर्वक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। चकला बेलन हर किचन की शान होती है, हर परिवार को ज़रूरत होती है। चकला बेलन के बिना काम नहीं चल सकता, कितना भी ज़रूरी काम हो चकले और बेलन की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि भोजन अब हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो भोजन की पूर्ति करने के लिए चकला बेलन का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग स्लैब पर भी रोटी बनाते हैं तो उनको चकले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्लैब पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। स्लैब की पीछे रोटी नहीं बनाने के पीछे भी कई कारण है, मैं दलील पेश करूँगी इसकी भी। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मित्रों मैं एक ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ, तो आप ज्योतिषीय परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों चकला और बेलन, ये चोली दामन का साथ होता है इनका, एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, चकले की जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में स्लैब के को लोग प्रयोग में लेते हैं, तो वहाँ ये बात लागू हो सकती है कि चोली दामन का साथ नहीं है। लेकिन आवश्यकता सबकी, हर घर की ज़रूरत है ये और हर घर की शान है ये, तो चकला बेलन की जोड़ी है हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये जोड़ी सही सलामत रहनी चाहिए, मतलब शत विशत टूटी फूटी अवस्था में नहीं रहनी चाहिए। या चकले पे बेलन यूज़ करते समय चकला पट 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 आवाज़ करता है, मतलब पत्थर आड़ा टेढ़ा हो गया है उसका, उसके पैर आड़े टेढ़े हो गए हैं, तो उसको बदल के दूसरा चकला ले आइए। चकले का पैर सही सलामत रहना चाहिए, चकला का बॉटम सही सलामत रहना चाहिए और चकला ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, चकला नया ही होना चाहिए। और नया चकला आपके घर के शुक्र में वृद्धि करता है, आपके घर के शुक्र को जागृत करता है और पैसे का फ्लो आपके घर में बना रहता है। तो चकला भूलकर भी ऐसा ना खरीदें कि जो आवाज़ वाला हो या पुराना हो गया है तो उसको फेंक दें या कहीं रखा है, या मतलब क्योंकि फेंक कट 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 बोल कर चकला फेंक देना चाहिए, या किसी मतलब मंदिर में चढ़ाएं, या चकला मतलब यूज़ में नहीं लेना है आपको, क्योंकि चकला हम किसी को भिखारी को भी देने को आपको नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी साबुत चकला चाहता है। चकला किसी भी मटेरियल का हो सकता है, लकड़ी का चकला हो या मार्बल का चकला हो या कलर्ड चकला हो या स्टील का चकला हो, सभी चकले श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अपनी अपनी विशेषताओं को समेटे हुए होते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ आपकी राशि के हिसाब से कौन सा चकला आपके लिए शुभ होता है। और बेलन भी स्टील का आने लग गया है और लकड़ी का भी आता है बेलन, तो आप अपने राशि के अनुसार कौन सा बेलन यूज़ करें, यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की वीडियो आप मज़ेदार होने वाली है और आपके बहुत काम भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न वालों को लकड़ी का चकला बेलन सूट करता है, और लकड़ी का ही पतला चकला ले लें या मोटा चकला ले लें ये मैटर नहीं करता, लेकिन लकड़ी का चकला उनके लिए शुभ होता है। वृषभ लग्न वालों को सफ़ेद मार्बल का चकला और लकड़ी का बेलन लेना चाहिए, उनके लिए बहुत शुभ होता है। स्टील का भी चकला बेलन यूज़ में ले सकते हैं, अगर उनकी स्लैब का रंग काला है तो उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। मिथुन लग्न वालों को मरगज जैसा पत्थर का या हरे पत्थर का चकला लेना चाहिए, और हरे पत्थर का चकला उनके मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करता है और उनकी सोच को परिष्कृत करता है, तो हरा चकला ही उनके लिए श्रेयस्कर है। सफ़ेद चकला मार्बल का भी ले सकते हैं, लेकिन हरा चकला श्रेयस्कर है। लकड़ी का बेलन उनके लिए सूट करता है। कर्क लग्न वालों को सफ़ेद रंग का चकला यूज़ में लेना चाहिए, मतलब मार्बल का चकला यूज़ में लेना चाहिए, और बेलन लकड़ी का हो सकता है, लकड़ी का बेलन यूज़ करना चाहिए। सिंह लग्न वालों को लाल पत्थर का
चकला यूसूट करता है। अगर उनके स्लैब भी लाल रंग की है तो वो स्लैब पर भी रोटी बना सकते हैं, लेकिन चकला चकला होता है तो चकले पे ही रोटी बनाने की आदत डालें। और उनको लकड़ी का चकला भी सूट करता है, लकड़ी का बेलन भी सूट करता है, तो अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। कन्या लग्न वालों को या कन्या राशि वालों को हरे रंग का चकला सूट करता है और गोलाकार में ही होना चाहिए चकला, और लकड़ी का बेलन सूट करता है। स्टील का भी वो बेलन ले सकते हैं, स्टील का ज़्यादा अच्छा रहता है। तुला लग्न वालों को या राशि वालों को मार्बल का चकला सूट करता है, सफ़ेद मार्बल का चकला सूट करता है, और उनको लकड़ी का बेलन या स्टील का बेलन सूट करेगा। वृश्चिक लग्न वालों को लाल पत्थर वाला भारी स्टोन सूट करेगा, मतलब भारी पत्थर का चकला उनको लेना चाहिए। इसके अलावा लकड़ी का बेलन उनको सूट करेगा। धनु लग्न वालों को पीले रंग का चकला सूट करता है या पीतल का चकला सूट करता है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो लकड़ी का ही चकला सूट करेगा और उनको लकड़ी का ही बेलन सूट करेगा, स्टील का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। मकर लग्न वालों को स्टील का चकला बेलन लेना चाहिए, स्टील के चकला बेलन का विकल्प है सफ़ेद चकला और लकड़ी का बेलन, तो ये भी उपयोग में लिया जा सकता है। कुंभ वालों को भी मकर वालों जैसा ही चकला बेलन लेना चाहिए। मीन लग्न और मीन राशि वालों को पीतल का चकला बेलन लेना चाहिए, अगर पीतल का चकला बेलन नहीं मिले तो आपको लकड़ी का चकला बेलन यूज़ करना चाहिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है आपको। जैसा कि आपको पता ही है मैं एक ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ, मैं परामर्श भी देती हूँ, आप ऑनलाइन परामर्श मुझसे ले सकते हैं। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है, तो 23-24 साल के अनुभव का लाभ उठाइए और परामर्श लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही सही भेजना होता है। ये चीज़ें आप मेरे से सही सही भेजेंगे तो तभी मैं परामर्श दे पाऊँगी। रात का जन्म है या दिन का जन्म है सही सही मेरे को भेजिए। मेरी 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और मेरी और वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। इसके अलावा डॉक्टर उमाश्री टाइप करिए, मेरी वीडियो खोल के आ जाएंगी यूट्यूब पे और मेरे नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको आपकी चॉइस की वीडियो जो अच्छी लगती है वो आप देखिए और आनंदित होइए, क्योंकि मेरी वीडियो है ही इतनी अच्छी जो हर कोई देखता है, पसंद करता है और लाभान्वित भी होता है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक चुने हैं जो किसी ने भी नहीं चुने। कुछ टॉपिक तो कॉमन होते हैं और वो सभी ने चुने हैं, लेकिन मेरे टॉपिक कुछ अलग होते हैं। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और वीडियो भी देख के आनंदित होना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।